राज्य सरकार फरवरी में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करा रही है। उसी संदर्भ में बरेली में भी उद्यमी उसमें शामिल हो रहे हैं। उससे पहले जिला प्रशासन ने 18 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 4000 करोड़ के निवेशक जुटेंगे। सोमवार की दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करने वाले उद्यमियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। 3 से 4 दिन में NOC भी जारी हो रही है। संबंधित 22 विभागों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। इन्वेस्टर समिट में बरेली उद्योग लगने से जहां आय के साधन बढ़ेंगे, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही बरेली की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। टेक्सटाइल, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल क्षेत्रों में उद्यमियों ने निवेश करने के लिए सहमति दी है। फूड प्रोसेसिंग में 1130 करोड़ का निवेश होगा। SSP अखिलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि उद्यमियों की दिक्कतें दूर करने के लिए SSP कार्यालय में इन्वेस्ट सेल का गठन किया जा रहा है। SP स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इन्वेस्टर्स IMA हॉल में आयोजित होगी। इन्वेस्टर समिट 10 और 12 फरवरी को लखनऊ में जो होने जा रहे हैं, उससे पहले तैयारी के रूप में हम लोग 18 जनवरी को स्थानीय इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। उससे भी पहले आज हमारे बीच IIA, CCI और लघु उद्योग भारती और IMA के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ जनपदीय अधिकारियों का एक परामर्श हुआ। इन इन्वेस्टर्स की अगर कोई समस्याएं हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर फ्लैग किया, उनके समाधान तत्काल हम लोगों ने कराया है। निवेश मित्र पोर्टल पर जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उनकी समीक्षा की गई। आज हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को हमारी जो समिट होने वाली है, जनपदीय समिट, उससे पूर्व किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी NOC किसी भी विभाग के स्तर पर पेंडिंग न रहे, इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में इन चारों एसोसिएशंस ने, जिनके भी आपसे हमने चर्चा की, इनके प्रतिनिधियों द्वारा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उन लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल पर अपने इंटेंट फाइल किए हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म है, बायोफ्यूल है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, इन सारे सेक्टर्स में इस जनपद में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। टोटल संभावित इन्वेस्टमेंट अब तक हमारे पास लगभग 4000 करोड़ का है। मैं आशा करता हूँ कि 18 तारीख तक और 10-12 फरवरी तक ये अभी इन्वेस्टर्स की संख्या और धनराशि भी और बढ़ेगी। जिलाधिकारी महोदय, ये जो 4000 करोड़ आ रहा है बरेली के लिए, बरेली के इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के भी इन्वेस्टर्स? इसमें दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बरेली के हैं, अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनपद बरेली के ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पुनः नई यूनिट्स लगा रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे डेयरी के क्षेत्र में, बायोफ्यूल के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स हमारे अन्य जनपदों से, अन्य प्रांतों से हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें तमाम डिपार्टमेंट की NOC चाहिए होती है। हम तो सबसे पहले उनको सारी पॉलिसीज़ के बारे में अपडेट कर रहे हैं। इस पर हमारी कई बैठकें हो चुकी हैं। हम हर बैठक में इनके साथ जो नई पॉलिसीज हैं, उसमें जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं, और पहले से भी इन लोगों को जानकारी में है। जिस किसी की कोई NOC है, वो सब एक ही सिंगल विंडो के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रही, उसका हम लोग निराकरण करा रहे हैं। किसी इन्वेस्टर के किसी भी विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर, क्या मतलब प्रेस के लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहा है कोई? क्योंकि मीडिया का बड़ा हब है बरेली में, लोग चाहते हैं आगे बढ़े, दिल्ली लखनऊ के बीच सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसमें कोई बहुत तरक्की नहीं हुई? नहीं, बहुत तरक्की हुई। आप कैसे कह रहे हैं? मीडिया हमारे यहाँ बहुत ही एक्टिव है, बहुत आगे है। मेरी पूरी शुभकामना है कि मीडिया खुद इन्वेस्ट करेगी, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। आपकी मदद मिलेंगे सर? बिल्कुल, आप पॉलिसी के तहत आएंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी। 1.5 साल पहले भी एक इस तरीके का प्रोग्राम हुआ था, यहाँ लखनऊ स्तर पे हुआ था, उसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई थी।
लेकिन वो जमीनी धरातल में इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन वो जमीन पे नहीं। इस बार कैसे कोशिश करेंगे कि पुलिस देखिए, हमारे जनपद में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको जैसा मैंने बताया दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, कुछ एक्सपेंशन है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का और कुछ नए क्षेत्र में आ रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ ज़मीनें ले ली हैं, उनका काम चल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है जितना उन्होंने इंटेंट फाइल किया है उतना हर हाल में यहाँ इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। इसलिए ऐसा कोई हमें मेरा पूरा विश्वास है कि जितना इंटेंट आया है उससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है।